हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे सो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जान रहे हैं सो so, इसका मतलब क्या है सबसे पहले कि प्रेगनेंसी को हमने प्रिवेंट करना विद द हेल्प ऑफ मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स की हेल्प से जब हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनल एंड वॉलंट्री टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन या फिर इसको induced एबोशन बोल सकते हैं एबोशन वर्ड्स आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और उसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में साइंस की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी

कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साल में 45 टू तो 50 मिलियंस एम परफॉर्म की जाती हैं हैं 45 टू तो 50 मिलियन बहुत ज़्यादा होती ठीक है थीके? तो इतने एबोशन किए जाते हैं पूरे साल में जो कि कंसीव्ड प्रेगनेंसी का वन बाय फिफ्थ होता है बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है एम टी पी हेज अग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन कहते हैं टीपी का एक बहुत बड़ा रोल है पॉपुलेशन डिक, को डिक्रीज करने में तो इट इज नोट मीन फॉर दैट पर्पज लेकिन हम इसको इस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 ये नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है इसको आपने ध्यान से पढ़ना है इट वॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसीडेंस ऑफ रिड्यूजिंग इीगल एबोर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मटर्नल मोरटेलिटी एंड मोरबिलिटी देखो बहुत सारी तरीके से लोग एबोर्शन कराते हैं इल्लीगल तरीके से भी अबोर्शन कराते हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट पास किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कब किया था एम को 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज कहते एम टी जो है परफॉर्म की जा सकती है लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं उसके लिए अगर वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी वो एम टी परफॉर्म की जा सकती है ठीक है सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू चेक डिस्क्रिमिनेट एंड इीगल फीमेल फोटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया इंडिया के अंदर फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज्यादा होती है ना जो बच्चे होते हैं लड़कियां होती हैं लड़कियों है, को मार देना गर्व के अंदर ही वो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ही ये सारे स्ट्रिक्ट जो कंडीशन है उसको अप्लाई किया जाता है Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. कहते हैं MTP को legalized करना है या नहीं करना है वो बहुत सारी countries के बीच में debate होती है उनके emotions को लेकर ethics को लेकर religion को लेकर social beings को लेकर और उसके बाद ही कोई ना कोई जो फैसला है वो लिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्वेल्व प्रेगनेंसीड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं अगर फर्स्ट ट्वेल्व वीक में प्रेगनेंसी है तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है उसके बाद एम टी पी को परफॉर्म किया जा सकता है इफ नेक्स्ट है हमारे पास इफ द प्रेग्नेंसी हैज लास्टेड फॉर मोर देन वीक्स बट फ्यूर देन ट्वेंटी फोर वीक्स देन टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्मड इन गुड फेथ दैट आर रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स से ज्यादा हो गई है लेकिन 24 फोर वीक्स से कम है तो भी एम uh, टी पी परफॉर्म की जा सकती है लेकिन उसके लिए टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है नेक्स्ट हमारे पास लॉस ऑफ एम टी पी क्या डिफाइन करते हैं पहला द सिचुएशन अंडर विच एम टीपी कैन बी परफॉर्म है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे लॉज रखे हैं कौन कौन सी कंडीशन रखी हैं जिसमें एम टी पी यूज की जा सकती है परफॉर्म की जा सकती है इफ कॉन्टीन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ थ्रेड टू सर्वाइवल ऑफ द मदर अगर ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू रहेगी तो मदर की जान को वो है खतरा हो सकता है तो उस केस में भी एम टी पी परफॉर्म की जा सकती है इफ शी इज द विक्टम ऑफ रेप अगर उसके साथ कोई रेप हो गया वो विक्टम है तो भी एम uh, टी पी परफॉर्म की जा सकती है इफ शी इज मेंटली अनस्टेबल अगर वो मेंटली अनस्टेबल है उसका दिमाग काम नहीं करता है वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है तो भी एम टी पी यूज की जा सकती है इफ शी इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव मैथड्स अगर उसने नैचुरली uh, या फिर आर्टिफिशियल कॉन्ट्रसेप्टिव मैथड्स में फेल हो गई है वो उसके लिए काम नहीं किया तो भी ये हो सकता है द ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सत प्रसर क्या, क्या हो सकते हैं इफ कंटीन्यूशनसी वेगनेंट वूमेन और ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल इंजरी क्या कहते हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रे, आपको ऐसा लगता है की प्रेगनेंट वुमेन जो है उसको फिजिकली या फिर मेंटली इंजुरी हो सकती है उसकी लाइफ को रिस्क है तो भी एम टी पी परफॉर्म की जा सकती है There is substantial risk that if a child is born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. कहते इस केस में भी हो सकता है अगर देखा जाए कि घर के अंदर अगर देखा जाए स्कैन करके कि बच्चा जो है उसके अंदर मेंटली या फिर फिजिकली कोई एबनॉर्मेलिटी है और जब उसका बर्थ होगा तो वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है इस केस में भी MTP परफॉर्म की जा सकती है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है किस तरीके से एम को परफॉर्म किया जाता है सबसे पहले द बॉडी पार्ट्स आर ग्रैप्स एट रेंडम लॉन्ग टूथ क्लैम्प लंबी टूथ की तरह क्लैम्प होती है जिसको वजाइनल कनाल के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जो बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको ग्रैप्स किया जाता है एकदम कुचल दिया जाता है उसको क्रश कर दिया जाता है द बॉडी पार्ट्स आर पुल्ड फ्रॉम द फीटल बॉडी आउट द वजाइनल कनाल उसके बाद जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको वजाइनल कनाल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है द रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स आर ग्रैप्स एंड पुल आउट जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स उसके रह गए होते हैं उसको भी ग्रैप्स किया जाता है और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है द हेड इज ग्रैप्स एंड क्रस्ड इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द वजाइनल कनाल हेड जो होता है उसका बड़ा पार्ट होता है इसलिए उसको अच्छे तरीके से क्रश किया जाता है ग्रैप्स किया जाता है ताकि वो जाइनल कनाल से वो इजिली बाहर निकल आए द प्लेसेंटा एंड रिमेनिंग कॉन्टेंट आर सक्सनाइड फ्रॉम द यूटरस प्लेसेंटा हो गया या फिर अदर जो कुछ कंटेंट रह गया होता है अंदर वो यूट्रस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है नेक्स्ट आता है हमारे पास एम टी पी इज टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या या फिर कोई भी क्वाइटस फिर रेप के केस में ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एम टी पीस और ऑल्सो असेंशियल इन सर्टन केसेज व्यर कॉन्टीन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल या फिर मदर के लिए हो सकती है फिटर्स के लिए हो सकती है ये भी हमने पढ़ लिया एम टीपी आर कंसिडर रेलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होती है ट्वेल्व वीक से ज्यादा अगर प्रेग्नेंसी हो गई हो तो वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट द मेजोरिटी ऑफ एम टी पी आर परफॉर्म्ड इन लिगली बाई अनक्लिफाइड क्रैक्स विच आर नॉट ओनली अनसे बट कूड बी फिटल टू कहना बहुत सारी ऐसी हरकतें देखी जाती हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलीगल तरीके से जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं उनसे ही एम को परफॉर्म करवाते हैं बोशन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि मदर के लिए तो रिस्की है ही साथ में बच्चे के लिए भी रिस्की रहता है Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. कई बार क्या होता है? Unborn child का sex determine करने की कोशिश की जाती है illegal तरीके से कि वो male है या फिर female है और अगर female होता है तो ओ, obviously बात है ज़्यादातर MTP को use किया जाता है. If the fetus is found to be female, it is followed by MTP. उसका abortion करने के लिए बोलते हैं illegal तरीके से. such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus कहते इन प्रैक्टिशनर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे के लिए तो हानिकारक है ही साथ में मदर के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है ठीक है सो so, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में सो so, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको ये टॉपिक चाहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर